फ्रेंड्स ये देखो भाई लाए अल्ट्रा 8 वॉच। फ्रेंड्स दही हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम गई है, देख सकते हैं आप। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम मैं यूट्यूब चैनल सपना मेरा इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हमारे देखने वाले को जहाँ कहीं मिला के सलामत रखे। फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से इस माह रोज़ा मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रोज़ा बहुत ही अच्छा जा रहा है। आप सभी का क्या कैसा जा रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, आपके यहाँ पर मौसम कैसा है ये भी बताना आप मुझे। फ्रेंड्स आज मैं आप सभी साथ शेयर करने वाली हूँ डेयरी की जैसी दही बनाकर हम घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल ही डेयरी की जैसी दही बनाकर हम तैयार करेंगे घर पे। कुछ और भी ट्रिक्स मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। रमज़ान में शरबत बनाकर पीते हैं, शिकंजी बनाकर पीते हैं, तो शरबत बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगती है फ्रेंड्स। या फिर शरबत पीते हैं हम बनाकर तो चीनी कच्ची होती है, इस वजह से हमारे गले में खराश होने लगती है। मैं आपके साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, शरबत हम किस तरीके से बनाकर घर पर रखेंगे और पियेंगे और हमारे गले में खराश नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स दही बनाने के लिए हमने लिए 1.5 लीटर दूध को गैस पर रखी हमने पकने के लिए। दूध को हम अच्छे से पकाएंगे और यहाँ पे लिए हमने चीनी। इफ्तार के लिए हम शरबत जब तैयार करेंगे तो हमें इजी होगा करना, तो बस हम इस तरीके से चीनी को हल्का सा मेल्ट कर लेंगे। गैस चीनी हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो गई, देख सकते हैं आप, देखें इस तरीके से। तो हम गैस बंद कर देंगे, 1 चम्मच चीनी हम दूध में शामिल कर देंगे। इस तरीके से दही हमारी मीठी बनेगी, अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार। इसकी किनारियों में मलाई बैठने स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं। मलाइयों को हम बिल्कुल अच्छी तरीके से छुटा लेंगे इस तरीके से चम्मच से। दूध को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से पकाएंगे। फ्रेंड्स दूध के एक्स्ट्रा पानी को हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से सुखा लिए, देख सकते हैं आप। और दूध में हल्की हल्की मलाई की परत जमने लगी है, देख सकते हैं आप। तब हम यहाँ पर गैस बंद कर देंगे, दूध को हम नॉर्मल ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम दही जमाएँगे। फ्रेंड्स चाशनी ठंडी हो गई है तो अब हम इसे बोतल में कर लेंगे। इसे हम फ्रीज में रख देंगे। फ्रेंड्स दूध हमारा नॉर्मल ठंडा हो गया तो अब हम यहाँ पर 2 चम्मच दही शामिल करेंगे। ऐसे हम रख देंगे ऐसे जगह पे जहाँ पे हवा ना लगे, एक दिन के लिए। फ्रेंड्स दही हमारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम गई है, देख सकते हैं आप। देखिए मैं ना आपको चम्मच से निकाल कर दिखाती हूँ, देखिए और कितनी अच्छे से मलाई इसमें जमी है। इसमें ना एक मलाई की परत बन गई फ्रेंड्स, देख सकते हैं। देखिए दही हमारी अच्छे से जम गई माशाल्लाह, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है, देखिए। चलिए अब हम इसे फ्रिज में रख कर ठंडा कर लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने समोसे तैयार करके रखे हैं, देख सकते हो आप। गाइस यहाँ पर मैं समोसे फ्राई कर रही हूँ, देख सकते हो आप। आज मैं लेट हो गई हूँ तो मैं जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ, इस वजह से मैं ज़्यादा सूट नहीं कर पाई। सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए। फ्रेंड्स ये देखो भाई लाए अल्ट्रा 8 वॉच, 2 वॉच लाए हैं अपने लिए और शायद के लिए। तो यहाँ पे भाई वॉच की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। ये रहे भाई, ये अल्ट्रा 8 वॉच। बैटरी ऑफ है, बैटरी ऑफ है इसकी, देख सकते हो फ्रेंड्स। देखो तो गाइस सबनम ने बनाई है आइसक्रीम, अब देखते हैं कैसा लगता है खाकर। कुल्फी आइसक्रीम है ये, मस्त बने हैं गाइस। इससे पहले भी बनी थी, फिर बनाया इन्होंने। गाइस खाना हमारा हो गया और हम खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम। अभी बज रहे रात के 11:15 है ना साइन। कैसा बना है? फ्रेंड तो ये कुछ ट्रिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं और इसे फॉलो कर आपको भी
अच्छा लगेगा। और आप भी चाशनी बनाकर फ्रिज में 10 से 8 दिन तक रख सकते हैं और इसे यूज करें, ये ख़राब नहीं होती, लंबे टाइम तक चलती है फ्रेंड्स। और ये हमारी सेहत के लिए अच्छी भी होती है, इससे चाशनी बनाकर रखने से हमारे गले में खराश भी नहीं होगी। दही बिल्कुल डेरी की जैसे मैंने बनाई इस तरह से आप भी बना सकते हैं, और दही हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। शहर में खाई हम लस्सी बनाकर भी पी सकते हैं, तो मैंने लस्सी बनाई थी फ्रेंड्स, पर मैं लस्सी बनाते हुए वीडियो नहीं बना पाई, मैं लेट हो गई थी और काम थोड़े से ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई फ्रेंड्स। पर कोई बात नहीं, अगले बार मैं जरूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी लस्सी बनाते हुए। इस तरह से आप भी बनाए मजे मजे की रेसिपी, आपको भी फैमिली को पसंद आएगी उम्मीद करती हूँ। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को ही एंड करती हूँ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जो मेरे चैनल पर नए हो वो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बाय।